हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वर्तमान आम षष्ठ श्रेणी पिलामानंकर पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति परीक्षार प्रिपरेशन लाइव क्लास करुछंती। मन रखत प्रत्येक दिन संध्या 6टा बेले आम यूट्यूब चैनल मध्यम तुमर पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति परीक्षा आमर क्लास होउछि। तेणु जी भी चैनल नुआ अछ एवं प्रत्येक दिन आमर एटि लाइव क्लास अटेंड करा चाहूछ ताले वर्तमान आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। साइड रे बेल आइकन अछि ता उपर क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो। यह द्वारा ठीक संध्या 6टा बेले समस्त नोटिफिकेशन पाइबो एवं आम क्लास को मध्ये अटेंड करि पारिबो। ठीक अछि, तो आज क्लास रे आमे आमर पूर्व वर्षर किछि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करिबा। ठीक अछि, तो देखो जो माने भी एपर्यंत पीएमएसटी 2022 कोर्स रे जॉइन करिन मु समस्त को परामर्श देबि समस्त कोर्स रे जॉइन करिन। काहेकि ना कोर्स रे तुमर प्रीवियस 5 इयर रो क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करा जाउछि, माने गत 5 वर्षर 2015 रु 20 जहाँ भी किसी क्वेश्चन अच्छे जो 300 प्रश्न अच्छे से 300 जाक प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना कर। सेकेंड कथा ऑल टॉपिक कवर करा हो, मैंने तुमर जो जो टॉपिक रु क्वेश्चन गुड़िक आसब यही वर्ष से सबूक टॉपिक पूरा तुमको बुझाजी ता सहित क्लीयर में सबूक क्वेश्चन आंसर गुड़िक पढ़ाजी। ओके, दुटे आंसर हल। तीन नंबर हो डाउट क्लियर क्लास, तुमर गोटे दिन में जहाँ भी किसी पढ़ाई थोड़ा तुमको ना जो जो प्रश्न उत्तर गुड़िक पढ़ाई थोड़ा से भितर किसी भी जो डाउट रोचे से डाउट गुड़िक क्लीयर पर एक्स्ट्रा डाउट क्लीयर क्लास रोचे कौट हूँ ना यूट्यूब रोचे से डाउट क्लीयर क्लास गुड़िक संध्या 6टा बेले। ठीक अच्छे, नेक्स्ट है वीकली टेस्ट, मैंने गोटे सप्ताह में जहाँ भी किसी पढ़ाई थोड़ा सप्ताह शेष अर्थात रविवार दिन तुमर गोटे परीक्षा करा से परीक्षार तुम्हें जापर कि तुमर निजर परफर्मांस लेवल केमती अच्छे सब जापर। लास्ट हूँ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, मान तुमर पठाणी सामंत मेधावृत्ति के 150 मार्क परीक्षा हम ना तुम एग्जाम सेंटर में 150 मार्क परीक्षा दबो, ठीक से टाइप रहा गोटे एग्जाम आमर एक कोर्स गोटे रखाई है से तुम एग्जाम दबो जापर कि 150 रु तुम के मार्क आसूसी कौन सबकि जापर। तेनाली सबूक सुविधा पाइबापी तुमको मात्र 149 टाँचा देवाक पड़ो, मात्र 149 टकर तुमने पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति 2022 कोर्स जॉइन कर बुझिपड़ 149 टकर तुमको फुल कोर्स मिलूँ। मानने जदि तुमने पठाणी सामंत मेधावृत्ति परीक्षा पास करने को चाहूँ तुमको जहाँ जहाँ दरकार जो जो क्वेश्चन दरकार जो जो ट्रिक दरकार सबकि तुमको एक कोर्स मिलजिव है। तो प्रश्न उठे सार आम कोर्स कौटी पाइबू कौटी जॉइन करूँ ना तापी समस्त प्ले स्टोर में सर्च कर माई क्लासरूम, मुझे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दीची माई क्लासरूम आप को जीव से तुमको आम कोर्स मिलजिव है। माई क्लासरूम आप्र स्टोर ऑप्शन को जीव तले स्टोर लिखाई थी से स्टोर को गलापर तुमको मिलजिव पीएमएसटी 2022 सिक्स क्लास षठ श्रेणी मिलजिव मात्र 149 टाँचा देखिए तुम समस्ते से कोर्स जॉइन कर पार। ठीक अच्छे, कहीं तुम क्वेश्चन गुड़िक केमती जानू ना जो पूर्व वर्ष प्रश्न गुड़िक देख जापर कि कौ लेवल क्वेश्चन आसू तेणु ए सबूक प्रश्न उत्तर अभ्यास ए सबूक प्रश्न उत्तर प्राक्टिस जब चाहू ये मेधावृत्ति परीक्षा सिलेक्शन होगापी तालोले निहत भाव में समस्ते कोर्स जॉइन करनी। ओके, तो चलो आ डेरी करानी आज क्लास को स्टार्ट करवा समस्त ये प्रश्न को देख ये 43 नंबर अच्छे ना ये प्रश्न देख ध्यानर्स देख बुझ ये प्रश्न कौन कही कि दत्तचित्र विभिन्न आकार रे समुदाय केतोटी वर्ग क्षेत्र अच्छी विभिन्न आकार रे समुदाय केतोटी वर्ग क्षेत्र अच्छी तो तुम्हें कौन कर वर्ग क्षेत्र गणी गणी जीव कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तापर आम एट 11 एम गणब जब बहुत लेट हो पाने तेणु जेहेतु तुम मैंने आमर एटी क्लास कर तुमको ट्रिक शिखेबी मैंने कौ ट्रिक एप्लाय कले कौ ट्रिक रो ट्रिक तुम ये लगे तुम कम आसो और जल्दी जल्दी उत्तर हो पारे तुम कौन कर कहल एमती सीधा गणब कतोटी वर्ग क्षेत्र अच्छे गण 1 2 3 3टा अच्छी तापर तुम तलू गणब कतोटे अच्छे कत 1 2 3 3टा अच्छी ना तो मैंने आम एपटे तीन एपटे भी तीन एका अच्छी तेणु तुम्हें कौन कर ना तीन रु आरंभ कर फास्ट कौन कर 3 × 3 कर 2 × 2 कर 1 × 1 कर तो 3 × 3 9 2 × 4 1 1 1 मिस दि 9 × 4 13 13 × 14 तुम उत्तर कौन हम टोटाल तुमको ये 14 वर्गचित्र मिल कतोटे वर्गचित्र मिल 14 है जदि आम तीन न थे 4टा था मन कर 4टा मान कौन अटेटा देख पूरा ध्यान से बुझ मुझे कहूँ क्लीयर बुझ समस्ते देख एमती चित्र मैंने कल ना तो ये मत कह आम टोटाल कत वर्ग चित्र तुम्हें कौन कर गणीद एपटे कत गण एपटे कत गण है तो ऊपर आड़े कत रोचे कह सीधे 1 2 3 4 रोचे ऊपर तलू गणले मत कत रोचे कहल
ना एक दुई तीन चार चारटा चारटा हो ना तेणु आम कौन करवा ना चारु एक पर्यटन जावा प्रथम कौन कर चार गुण चारिपर तीन गुण तीन करदेव दुई गुण न दुई करदेव एक गुण न एक करदेव चार छः षोह तीन तीन की नौ दुई दु गुण चार एक 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 मिसई दि षोह नौ पचिश चार अंतरीश एक तीस तो उत्तर हो तीस मैंने तीसटा बल्ब चित्र मिले है जब इटे मोर तीन तीन ना तेनाली कौन कले तीन तीन गुण कले दुई दुई गुण कले एक गुण कले उत्तर आसा चौदह तो ऑप्शन ए हो ठीक उत्तर जीवा परवर्ती प्रश्न को नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन अच्छी गोटे श्रेणी अड़चाश जन छात्र छात्री अच्छा तांको मध्य अठाई जन फुटबल खेलती चौदह जन कबाडी खेलती दस जन उभय खेल खेलती तेज से श्रेणी केते जन छात्र छात्री यही उभय खेल खेलती ना देख टोटाल छात्र के छात्र छात्री अच्छा अड़चाश जन मान गोटे श्रेणी अड़चाश जन पिला अच्छा से भितर किसी पिला फुटबल खेल कि पिला कबाडी खेल मु कौन कह जो अठाई जन फुटबल खेल अठाई चौदह जन कबाडी खेल तेल से अठाई जन भितर एमती किसी पिला अच्छा दस जन पिला अच्छा जो दस जन जो कि आम कबाडी मैं खेल मैंने मत कह अठाई जन पिला भितर दस जन पिला कौन खेल दस जन छाड़ दिए आज कैसे रे आज अठर जन रे अठर जन पिला खाली फुटबल खेल सॉरी अठाई दस अठर न हाँ अठर जन पिला खाली फुटबल खेल आउ दस जन पिला कौन ना दीजा खेल खेल मैंने जो अठाई जन पिला थे ना अठाई मुझे कौन दिभाग कर दिली अठर मिशाण दस सर प्रथम अठर जन पिला खाली फुटबल खेल आउ दस जन पिला कौन खेल फुटबल खेल सहित कौन कबाडी खेल तापर कौन कह चौदह जन कबाडी खेल चौदह जन भितर एपटे दस जन पाले आउ कई जन कबाडी खेल चार जन तो मैंने चारज पिला केवल कबाडी चारज पिला कौन केवल कबाडी है अठर जन पिला कौन कौन खेल ना केवल फुटबल खेल केवल फुटबल खेल कई जन अठर जन आ दस जन पिला कौन उभय खेल खेल मैंने प्लस करदे प्लस मैंने कौन कबाडी खेल दस फुटबल खेल तो मत कह बर्तमान मोट के जन पिला कबाडी और फुटबल कितनी खेलुंत के जन पिला खेल खेल अठर दस अठाई अठाई चार के अठाई चार हो बतीस तमें बतीस जन पिला जमीन भी खेल खेल है कि मैं तुम एमती नगर आउ के आनीपर मोट के जन पिला खेलुंत अठाईस चौदह मिसेद से दस फेर दब ताली तुम उत्तर पड़ आसो है कई जन खेल मैंने आम कौन करवा जो दी प्रकार खेल अच्छे ना से दी प्रकार खेल खेला संगे मिसेदे के अठाई मिशाण चौदह अठाई चौदह मिसले के हम तुम बयालीस हो उभय अच्छा ना उभय दस लगे ना दस फेर दब फिर तुम जना पड़ज कि मोट के जन पिला खेलु के बतीस तो मैंने बतीस जन पिला खेलु मोट पिला अच्छा के श्रेणी अड़चाश जन अच्छा खेलु के जन बतीस जन तेल के जन खेलना ना अड़चाश फेल बतीस कर दि कहे जना पड़ज आठ रू गले छह चार तीन गले एक मैंने षोह जन पिला बिलकुल भी खेलुना से कबाडी खेलुना कि फुटबल खेल किसी भी खेलना षोह जन पिला है उत्तर करपर नेक्स्ट नंबर देख कौन अच्छी किसी जन लोक परस्पर मध्य हाथ मिले संख्या है छत्तीस केतेज लोक हाथ मिले है कत लोक हाथ मिले प्रश्न अच्छे पे फर्मूला रही कौन फर्मूला जानते ना जदि लोक संख्या केते एक्स मनकर आप पाखे एक्स जन लोक अच्छा प्रश्न पचार कि मोट हाथ मिले संख्या केते तुम कौन कर फर्मूला हूँ एक्स इंटु एक्स माइनस वन बै टू या समाधान कर तुमको मिल जाव हाथ मिले संख्या मिल जाव जदि मुझे कहि कौन जो चार जन लोक अच्छा के हाथ मिसा हो तुम कौन कर एक्स जगह चार पकईदे एक्स जगह चार पहले कौन चार गुण न चार फेर न एक चार कले तीन बै दुई तो दुई चार कटे दुई तीन जुड़े छः मैंने छा हाथ मिसा हाब है एमती हे जदि मुझे कहि दस जन लोक अच्छा के हाथ मिसा हे एक्स जगह दस पकेब दस गुण न दस रे कहे के नह तो नह बै दुई तो गुण पाँच पान्व के आसा पैंचाश आसा मैंने पैंचाशा हाथ मिसा हे ये कौन प्रश्न अच्छी हाथ मिसा देदेगी पचास लोक के केतर हाथ मिले संख्या हाथ मिले संख्या छत्तीस देदेगी लोक संख्या देने हाथ मिले संख्या छत्तीस देती मैंने आम कौन करेंगे आपको छत्तीस सामान करदे है यू छत्तीस सामान करदे मो जना पड़ जा एक्स आसा मैंने आम जानदे कौन लोक संख्या जानदे एक्स आसा मैंने कौन लोक संख्या जानदे तो बर्तमान मत कह कौ अपसन ना एक्स जगह आम के ना छः नौ अठर भितर कौटा ना ना आमको छत्तीस आस देखा पड़ो जब आम छज लोक ना लोक संख्या छः जन हो तो हाथ मिले संख्या के छत्तीस होना चेक करवा चल कत देख छ पकेब आम एक्स जगह तेल कौन हम छः गुण न एक्स छः पक छे पाँच तो बै दुई की दुई रखीदे दुई की छः पाँच के पंदर तो कैसे होता पंदर आसा तो मैंने हूँ कि ना आम दरकार कौन छत्तीस दरकार है छत्तीस दरकार तो छः ना पंदर हाथ मिसा हो भूल तापर नौ जन लोक नहीं चेक करवा एक्स नौ पकेबा तो नौ गुण नौ नौ रही कले के आठ बै दुई
ତ କଟାକଟି କଲେ କ'ଣ 4 × 9 = 36 ଆସିବ, ଆସିଲେ ନା? ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହାତ ମିଳିବା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସୁଛି, 36 ଆସୁଛି, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ହାତ ମିଳିବା ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିବ, ତୁମେ ଏ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ x(x-1)/2 ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମେ 6 ନେଲେ କେତେ ଆସିଲା, ଆମର ହାତ ମିଳିବା ସଂଖ୍ୟା 15 ଆସିଲା। ଯଦି 9 ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି, ଆମର 9 ନେଲେ ଆମର ହେଲା 36 ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇଟା 9 ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ 8, 9 = 72 = 36 ଆସୁଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ଅଧାରୁ ଜଏନ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆମର PMST କୋର୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମେଧାବୃତ୍ତିରେ। ତୁମମାନେ କିପରି ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ PMST କୋର୍ସ ତିଆରି କରୁଛି। ସେ କୋର୍ସରେ ଗତ 5 ବର୍ଷର ଯେଉଁ 300ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା, 300ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉଛି ହେଲା। 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇସାରିଛି, 2019ରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ସେଠି କରାଯାଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ, ସେ ସବୁଯାକ ସେଠି ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ମାନେ ସବୁଯାକ ଟପିକ୍ ତୁମର ସେଠି ସେ କୋର୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ତୁମର ସେଠି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ା ହେବ ତା'ର ସାପ୍ତାହିକ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ 150 ମାର୍କର ଗୋଟେ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ହେଲା। ଏସବୁ ଯାକ ହେବ, ତା ସହିତ ତୁମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କ୍ଲାସ୍, ମାନେ ଯଦି କିଛି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିପାରିବ, ତୁମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। କି ଏସବୁ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମାତ୍ର 149 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କୋର୍ସ ତୁମେ କେଉଁଠି ପାଇବ, ମାଇ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଆପ୍ ହେଲା କି ସାପଡ଼ା, ତୁମେ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଜାଣିଛ, ମୋବାଇଲ୍ର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପେନ୍ କରିବ, ସେଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବ କେଉଁ ଆପ୍, ମାଇ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ହେଲା କି ମାଇ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବ, କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବ। ତାପରେ ସେଠି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ PMST କୋର୍ସ, PMST 6th କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଅଛି, ସେ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିନେବ, ମାତ୍ର 149 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିନେବ ହେଲା। ସେଠି ତୁମକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ସେଠି କରାଯାଉଛି, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେଠି ତୁମେ ପାଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, 45 ନମ୍ବର ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି 4^11 × 5^20 କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, 4^11 × 5^20 କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ, 4^11 ନା, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ, 4^11 ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, 4 ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କହିଲେ, 2×2 କରିପାରିବି ନା, 2×2 କରି ତା ଘାତ 11 କରିଦେବି, 2×2 ମାନେ କ'ଣ, 2^2, 2 ଥର ଗୁଣ ହେଲା ନା, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ 2^2 ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରେ କ'ଣ ଘାତ 11 ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତା ବାହାରେ ଘାତ 11 କରିଦେବି, ଘାତ ଉପରେ ଘାତ ଅଛି ମାନେ ସେଇଥିରେ ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ, 11×2 = 22, ତ କ'ଣ ହେବ, 2^22 ହେଲା, କେତେ ଆସିଲା, 2^22 ଆସିଲା। ତ 4^11 ଯାହା, 2^22 ସେଇଆ ହେଲା। ତ ମୁଁ 4^11 କ'ଣ ଲେଖିଦେଲି ନା, 2^22 ଲେଖିଦେଲି, ଗୁଣନ ଯେଉଁ 5^20 ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖି, 5^20 କରିଦେବି ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ 2^22 ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି, 2 ଭାଗ କରିଦେବି, 2^2 = 20 କରିଦେବି, ହେବ କି ନାହିଁ, 2^2 = 20 ହେବ ନା, ଯେଉଁ 22 ଥିଲା 22 ମୁଁ 2^2 କରିଦେଲି, 2^2 ଯାହା ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି, 2^2 × 2^2 = 20 କରିଦେବି, ହେବ ପୁଣି ଗୁଣନ 5^20 ହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ 2^2 ଅଛି ନା, ତାକୁ ଯେମିତି ରଖିଦେବା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖ 2^2, ତାପରେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଖ, ଏଠି ଘାତ ସମାନ ଅଛି, 2 ଯାହାର 20 20 ଅଛି, ଘାତ ସମାନ ଥିଲେ ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ, 2×5 = 10 କରିଦେବ, ତ ଗୁଣନ 10^20 ହେଲା। ତ 2^2 ମାନେ କ'ଣ, 4×10^20, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି, ତ 10^20 ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି 4 ଗୁଣନ କରିବା, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା, ଆମର 4 ରହିବ, ତାକୁ ଘାତ 20 ଅଛି ନା, ଏଠି 10^20 ଅଛି, ତା'ମାନେ ଏଠି 20 ଶୂନ ରହିବ, ତ 20 ଶୂନ ଆଉ ଗୋଟେ 4, ତା'ମାନେ ମୋଟ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ମୋଟ ହେଉଛି 21ଟି ଅଙ୍କ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଠି 21ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, 47 ନମ୍ବରଟା କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆମର, 47 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏଠି ସେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖ x^y ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2x² + 3y + 1, ତେବେ 3^7 ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ହେଲା। ତା'ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଏଠି ଏକ୍ସ ଯାର କେତେ ଦେଇଛି, ସେ x^y ଏଠି 3^7 ଦେଇଛି, ତ ଏକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଏକ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 3, ଆଉ ୱାଇ ମାନେ କ'ଣ, ୱାଇ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡଟା 7, ହେଲେ ୱାଇ ମାନେ କ'ଣ 7, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି x = 3 ଆଉ y = 7 ଲେଖିଦେବି ନା। ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, 2x² + 3y + 1, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଦେଖ 2x² + 3y + 1, ତ 2x² ତା'ମାନେ 2 ଲେଖିବି, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ହେଲେ ଏକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଏକ୍ସ ମାନେ 3 ନା, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, 3 କରିଦେବା, 2×3² ପ୍ଲସ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଦିଅ, 3y ଅଛି, ତ 3×3 ଲେଖ, ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ମାନେ କ'ଣ, ୱାଇ ମାନେ ହେଉଛି 7 ହେଲା, ତ 3×7 +1×1 ଲେଖ, ତ 2×3² ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦେବି, 2×9 3^2 ମାନେ କ'ଣ, 3×3 = 9, ତ 2×9 ମିଶାଣ 300 କେତେ, 21 ମିଶାଣ 1, ତ 2 ନା କେତେ 18, ମିଶାଣ 21 1 ମାନେ କେତେ 22,
तो उत्तर कौन हम कह उत्तर हो चालीस है बैस अठर मिसले चालीस तो आंसर हो ऑप्शन डी हूँ आम ठीक उत्तर। नेक्स्ट अड़चाश नंबर देख अड़चाश नंबर कौन कही ना एक बै दुई मिशाण एक बै छ मिशाण एक बार एम देकर एक बै नबे पर्यंत अच्छे है कि एक बै नबे पर्यंत अच्छे तो आम कौन कर जो एक बै दुई अच्छे ना लिखिपर एक बै एक गुण दुई करपर मिशाण एक बै छः को कौन लिखिपर ना एक बै दुई गुण तीन कर दुई तीन छः ना मिशाण एक बार को कौन लिखिपर ना एक बै तीन गुण चार एम देखिए प्लस डट 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 डी शेष कौन एक बै नबे अच्छे ना एक बै नबे आम कौन लिखिपर एक बै नौ गुण दस लिखिपर नौ दस नबे तार पे मैंने फर्मुला अच्छे कौन फर्मुला ना यहाँ एक बै एक होटा जी एक बै दस है एक बै एक मुझ लिखे एक बै एक फेल ना एक बै दस यहाँ जो फर्मुला ये बड़ बड़ संख्या अच्छी ना जहाँ भी थोड़ा तुम्हें सहजे केमती कर लिखिदेव आईदी लिखिदेव है मझे फेरण कर फेरण कले दस एक दस उपर दस फेरण एक भवनाश फेरण कराला तो उत्तर कौन नौ बै दस कि अप्सन ना नौ बै दस तुम्हें कौन प्रश्न भूल अच्छे जी परवर्त प्रश्न को चलो अणचास नंबर देख अणचास नंबर प्रश्न कौन अच्छे शिक्षक श्रेणी प्रत्येक को दस टी लेखाएं चकलेट दे कोड़ेटी चकलेट अभाव पड़े समान भाव बांटापी जन को आठटी दे चबीस चकलेट बलक रहे तेज से ही श्रेणी में कते जन छात्र छात्री थे तो मनकर आम कौन नहीं मनकर बैश जन छात्र छात्री थे श्रेणी जन को दस टी लेखाएं चकलेट दौरान बैस जन पिला कत चकलेट देते ना बैश गुणन दस बैश दशा के दुई कोड़े दुई कोड़े चकलेट देवे ना कितु कौन लिखाई ना कोड़े टी चकलेट अभाव पड़े है कोड़े चकलेट अभाव पड़े मैंने कौन से कोड़े फेर दि कोड़े फेरला मैंने शिक्षक पाखे के चकलेट अच्छी अच्छे दुईट चकलेट अच्छी शिक्षक पाखे दुईट चकलेट थी तापर देख कौन कहे ना जदि जन को आठटी लेखाएं चकलेट देवे मोटे पिला के बैश जन को आठ दे तो कैसे हम कह बैश गुण आठ बैश गुण आठ मैंने आठ दुगुण षोह छे एक आठ दुगुण षोह सतर शहे छस्तरी कौन कौच ना चबीस टी चकलेट बलक रहे बलक मैंने कौन से चबीस मिसेद मिसले के आस हाँ ना निहत तुमको दुई मिलला ना ना कि दुई मिलला ना तो देख दुईटा क्षेत्र चकलेट समान ना ये से आंसर कौन हो मोट छात्र संख्या बैस जन तुम चबीस अठर कोड़े नब ना तुमको मिलवनी है दुई जगह चकलेट सामान आसवनी के आंसर कौन बैस ना उत्तर हो तो बैस होमर ठीक उत्तर मोट पिला संख्या के बैस जन तापर आउ कौन डाउट थे पिला हाँ ए नंबर टे डाउट थे गोटे कोड़े घात पचास आ पचास घात कोड़े देख यहाँ हूँ आम दुई हजार कोड़े मसार प्रश्न उत्तर आम यूट्यूब अल्प डिस्कसन कर सब जहाँ पेपर देखा चाहूँ सब क्वेश्चन पेपर देखा चाहूँ तेल समस्त कोर्स जॉइन कर नियो से डिटेल्स सबकि पढ़ा हो देख कोड़े घात पचास गुण ना पचास घात कोड़े संख्यार कतोटी शून अच्छे कतोटी शून अच्छे प्रश्न अच्छे ना तुम्हें कौन करवा शून्यपी केमती बाहर करवा जो कोड़े घात पचास फास्ट आम चल सजे लिखा लिखले सी कौन हो कह सी कौन कोड़े घात पचासटा कौन हो दुई गुणन दुई गुणन पाँच कोड़े को मुझे सजादेली कोड़े कौन सजी दुई तीन चार चार पाँच कोड़े हम ना नाई हम तर कौन कर दुई रात दुई गुणन पाँच करें मैंने कोड़े को मुझे लिखीदी कौन दुई रात दुई गुणन पाँच तापर घात पचास था तेनाली कौन कर दी दुई रात दुई गुणन पाँच रात पचास है मुझे कौन कर दुई रात दुई मुझे कौन लिखिपर तो दुई रात दुई बाहर पुणी पचास अच्छे मैंने दुई रात के शहे कौन न पाँच रात पचास को पाँच रात पचास लिखिद है तमें कोड़े रात पचास अर्थ कौन दुई रात शहे गुण न पाँच रात पचास मुझे लिखीदे ये दुई रात शहे गुण न पाँच रात पचास तापर देख गुणन दि तो पचास रात कोड़े अच्छे आम कौन लिखिपर पचास पचास मैंने कौन कह पचास मान कौन दुई पंचा दस दस पंचा पचास तेल पचास को आम लिखा दुई गुण न पाँच गुण पाँच एमती करना दुई गुण पाँच गुण पाँच हम ना निहत हम कि कौन कर दुई गुण पाँच गुण पाँच बदल मुझे लिखिपर दुई गुण पाँच रात दुई करदेवी कहीं पाँच गुण पाँच हाँ पाँच रात दुई ता घात के बाहर कोड़े अच्छे ना तुमको कौन लिखी कोड़े करदेवी है तो यार अर्थ कौन दुई रात कोड़े पाँच रात दुई गुण कोड़े मैंने चालीस तो कौन दुई रात कोड़े हो गुण पाँच रात चालीस होगा तुम कौन लिखीदेवि दुई रात कोड़े गुण पाँच रात चालीस कटेदेली दुई रात कोड़े गुण न पाँच रात चालीस एबे देख दुई रात शहे अच्छे दुई रात कोड़े अच्छे तो घात जहाँ मिसले के कहे दुई रात शहे कोड़े होबर ना ये शहे अच्छे कोड़े दुई रात शहे कोड़े तापर गुण न पाँच ये पाँच रात पचास अच्छे पाँच रात चालीस अच्छे तो कौन हो पाँच रात पचास चालीस मैंने के नबे
ହେଲା, 5ର ତ 90 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2ର ତ 120, ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିଲେ, 2ର ତ 90 ମିଶାଣ 30 ହେଇଯିବ, ହବ 30 ମିଶାଣ 90 କରିଦେଉଛି ମୁଁ, 30 ମିଶାଣ 90 2ର ତ 30 ମିଶାଣ 90 ହବ। ତ 2ର 30 ମିଶାଣ 90 ଯାହା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 2ର 30 ଗୁଣନ 2ର ତ 90 କରିପାରିବି, ଗୁଣନ 5ର ତ 90 ହେଲା। ତାପରେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2ର ତ 30, 2ର 30 ରଖିଦିଅ, 2ର 30 ରଖିଦିଅ, ଗୁଣନ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ଆମର 2ର ତ 90 ଅଛି, 5ର ତ 90 ଅଛି, ଆଧାର ଯାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଘାତ ସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଧାର ଯାହା କ'ଣ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, 2 × 5 = 10 ହେଇଯିବ। ତ ଗୁଣନ 10ର ତ 90, 2ର 30ରେ ତ ଶୂନ ମିଳିବନି, 10ର ତ 90ର ଆମକୁ ଶୂନ ମିଳିବ, କେତେଟା ଶୂନ ମିଳିବ, 90ଟା ଶୂନ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନା କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି ବୋଲି, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, 90ଟି ଶୂନ ଅଛି ହେଲା, କେତୋଟି ଶୂନ, 90ଟି ଶୂନ। ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, 53 ନମ୍ବରଟା କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, 53 ନମ୍ବରଟା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଦେଖ 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପଡ଼ିଆରେ ମୋଟ 37 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ଠାରୁ 3 କମ୍, ହେଲେ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ, ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 37 ଜଣ, ସେ ଭିତରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣରୁ 3 କମ୍, ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 17 10 ହେଲା, ତ ମିଶିଲେ 27 ହେଉଛି, ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 27 ସେଠି ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, କହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣରୁ 3 କମ୍, ହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଛାତ୍ର ହେଲା 10, ଛାତ୍ରୀ ହେଲା କିଏ 17 ହେଲା, 17 ଗୁଣ ଛାତ୍ରୀ, ତ 17 2 ଗୁଣ ମାନେ କେତେ, 34, 34 ରୁ 3 କମ୍ ମାନେ କେତେ, 31, 31 ଜଣ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଠି 10 ଦେଇଛି, ତାମାନେ 10 17 ଭୁଲୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନେବା, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବା, 17 10 କହିଛି, 17 10 17 ଜଣ କ'ଣ ଆମର ବଏଜ୍ ଆଉ 10 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଲସ ହେଲା। ତ କ'ଣ କହୁଛି, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 2 ଗୁଣରୁ 3 କମ୍, ଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ 10, 10ର 2 ଗୁଣ ମାନେ କେତେ 20, 20ରୁ 3 କମ୍ ମାନେ କେତେ ହେଲା, 17 ହେଲା ନା, ଯେଉଁଟାକି 17 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ଆସୁଛି ଏଠି ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାରଣ ଅପ୍ସନ୍ ବି ନେଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଭିତରେ, ହଁ ଏ ଡାଉଟ୍, 56 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କିଛି ପିଲାଙ୍କର, 56 ନମ୍ବର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ତ 37ର ତ 100, ଏଠାରେ ଏକକ ସ୍ଥାନର ମାନ କେତେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ବି ଏମିତି ଘାତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା, ସେ ପଚାରିବ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଯିଏ ଘାତ ତାକୁ ସବୁଦିନ 4ରେ ଭାଗ ନେବ, କେତେରେ, 4ରେ, ତ 100 ଅଛି, 100କୁ ତମେ 4 ହରଣ କଲେ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, 4 2 × 8 ଓଲା 2 × 0 = 20, 4 × 5 = 20 ଓଲା 0, ତ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ, 0 ଆସିଲା ନା, ଆମକୁ ଦରକାର ଭାଗ ଶେଷଟା। ତେଣୁ ଭାଗ ଯଦି 0 ଆସିଲା ତମେ ନେବ କ'ଣ, 4 ନେବ, ଭାଗ ସେ 1 ଆସିଲେ 1 ନେବ, 2 ଆସିଲେ 2 ନେବ, 3 ଆସିଲେ 3 ନେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 0 ଆସିଲା ତମେ କ'ଣ ନେବ, ସେଠି 4 ନେଇଯିବ। ତାପରେ ୟାର ଏକ ସ୍ଥାନ କେତେ, 7 ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ 7ର ତ କେତେ ପକେଇବ, ଭାଗ ଶେଷଟା ପକେଇବ, ଭାଗ ଶୂନ ଆସୁଛି ନା, ତେଣୁ ତମେ 4 ପକେଇଦେବ ଏଠି, ଆଉ 7ର ତ 4, ତମେ କ'ଣ 7 ତମେ 4ଥର ଗୁଣ୍ଡ କର, 7 4ଥର ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ତମ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ କହିଲ, କେତେ ଆସେ, ଏକ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଆସେ, ଆମକୁ ସବୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦରକାର କେବଳ ଏକକ ସ୍ଥାନ, 749 ଏକ ସ୍ଥାନ ନ ରହିଲା, 963 ଏକ ସ୍ଥାନରେ 3 ରହିଲା, 321 ଏକ ସ୍ଥାନରେ 1 ରହିଲା, ତାମାନେ ଆମକୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ମିଳିବ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିଲା ବୋଧେ, ବାସ୍ ଏତିକି ତମେ ସବୁ PMST 2026 କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଚାରିଥିଲ, ତ ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇସାରିଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯାଇକି ସେ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ, ସେଠି ତମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତମ ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ବୁଝାହେଉଛି, ତମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସବୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା କେମିତି ସବୁ କଷ୍ଟ 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 ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ, ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ତ ଚାଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।